नहीं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आपकी सोचने की शक्ति को कम कर देता है ये, और अच्छा आपकी आपको पास की चीज़ें फिर बहुत कम याद रहने लगती हैं, हाँ और हाँ जो याद जो आपके दिमाग में आती हैं वो आप जिन चीज़ों को हटाना चाहते हैं वो आपके दिमाग में आती रहेंगी, और जो आपके आप याद रखना चाहते हैं वो आप भूलते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसका, आपकी सोचने की शक्ति भी बहुत इम्पैक्ट करता है ये। आपकी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खराब हो ही जाती है, हाँ आपकी डेली लाइफ खराब हो जाती है, हाँ लेकिन आपका जो थिंकिंग थिंकिंग स्टेमिना है और थिंकिंग की कैपेबिलिटी है वो भी अभी। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्लेरन कास्ट एंड एक्लेरन एकेडमी शो। मैं हूं आपका होस्ट ऐश्वर्य और स्वागत करता हूं आपका इस नए पॉडकास्ट में। इस ये पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक इंटायरली नए चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो पॉडकास्ट किए उसमें हमने करियर डेवलपमेंट से लेकर बिजनेस डेवलपमेंट की बात करी, बट ये कुछ अलग सा होने वाला है। तो पहले हम सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, विकास श्रीवास्तव। हाय विकास। हेलो ऐश्वर्य, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। एंड क्या क्यों ना हम आपके कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जाकि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में और पता चल पाए। जी बिल्कुल, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है, मैं करंटली एक आईटी कंपनी में एज एन आईटी एनालिस्ट में जॉब करता हूँ पिछले कुछ सालों से, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो ये जो जॉब आप कर रहे हैं इसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल में बता पाएं, बेसिकली आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल जी, आईटी एनालिस्ट हमारा काम ये होता है जो जो सर्विस डेस्क में जो टिकट्स आते हैं उसमें जो यूजर अपने इश्यूज जो सबमिट करते हैं तो उस पर हम लोग को ट्रबल शूट करना होता है, फिर उनको हम लोग रिजॉल्व करना होता है इश्यूज। तो अच्छा। इसमें करंटली मैं रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट टीम में हूँ, इससे हाँ। मेरा काम है कि यूजर्स का रिमोट लेके हाँ। पीसी का सिस्टम का हाँ। जो भी उनके इश्यूज हैं, चाहे वो वीपीएन का हो, सिस्टम का हो, चाहे इंटरनेट का हो, चाहे टीम्स का हो, आउटलुक का हो, तो उसको मैं रिमोट लेके उसको ट्रबल शूट करके उसको रिजॉल्व करता हूँ इश्यूज को, चाहे वो जैसे जैसे हो उसको उसको ये रिजॉल्व करना होता है। अच्छा 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 तो जैसे कि आईटी इंडस्ट्री जो हम केटर करते हैं, हमारे क्लाइंट्स मोस्टली कई बार वेस्टर्न नेशंस के होते हैं, तो इस चक्कर में कई बार तो आपको ऐसा भी होता होगा कि आपको रातों में काम करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं रात में ही काम करता हूँ। अच्छा, जी तो आपकी हमेशा राइट नाइट शिफ्ट ही मेरी रहती है? नाइट शिफ्ट ही रहती है, हम लोग की अच्छा। रोटेशन शिफ्ट में करते हैं, एक जैसे हमारी एक शाम की शिफ्ट स्टार्ट होती है 5 बजे से रात के 3 बजे तक होती है, फिर एक होती है 8 बजे स्टार्ट जो रात के 8 से सुबह 6 बजे तक होती है, एक रात में 10 से स्टार्ट होती है जो सुबह 8 बजे तक होती है। करंटली मैं 10 से 8 वाली में शिफ्ट में हूँ, तो ये तीन ही शिफ्ट में रोटेट करते रहते हैं आपको, तो ये नाइट शिफ्ट का ही है क्योंकि हम लोग का जो क्लाइंट है वो यूएस है, अमेरिका अमेरिका को हम लोग सपोर्ट करना है, तो उनके लिए जो सुबह होगी हमारे लिए रात होगी, तो हमें उन्हीं सपोर्ट करना है, इसलिए फिर तो ये काफी टफ जॉब हुई। टफ, हाँ टफ तो है, लेकिन आदत भी पड़ गई है, लेकिन टफ तो है, लेकिन काम है तो काम करना है। अच्छा, जो लोग हमारे गेस्ट विकास के बारे में नहीं जानते, फिलहाल वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, पर इनका एक बहुत बड़ा पास्ट रहा है जहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है डिप्रेशन और एंगजाइटी से, और उसको डिफीट करके ये बाहर आए हैं। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं डिप्रेशन को तो बहुत ही कैजुअली लेते हैं, डिप्रेशन टेंशन एंगजाइटी हमको लगता है ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, बट एक्चुअली में ये जो इंसान सफ़र कर रहा होता है उसकी उसको हम अक्सर यू नो निगलेक्ट करते हैं, हम उसको इतनी पसंद नहीं दे पाते उस बात को। तो आज हम इसी मुद्दे पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो विकास, कब आपको पता चला कि आपको एक ये डिप्रेशन की शिकार हैं आप? ये डिप्रेशन के शिकार मैं 2014 में मेरा स्टार्ट हो गया था, 2014 में जब मैं बीटेक के दौरान ही मेरा था, सिर्फ सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, और 2014 से मेरे को मुझे लगा नॉर्मल डिप्रेशन होगा, लेकिन वो डे बाय डे बढ़ता चला गया, तो वो डे बाय डे मंथ बाय मंथ साल बर साल इंक्रीज होता गया। फाइनली 2018 में जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, फिर फाइनली वहां पर मुझे पता चला कि मुझे एक एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो वो डिप्रेशन का ही उसका वो कॉज था, जिस वजह से मुझे क्योंकि बिकॉज डिप्रेशन और एंग्जायटी आपकी हैंड इन हैंड गो करती है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, अगर आपको डिप्रेशन बढ़ेगा तो एंग्जायटी बढ़ेगी, और डिप्रेशन अगर कम होगा तो एंग्जायटी कम होगी, ये दोनों साथ में साथ चलते हैं। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग एक रैट रेस में है कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें बीटेक खत्म करना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो हम कई बार ना इसमें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे अगर सही बताऊं तो मतलब कई बार ना बुरा फील होना भी हमको लगता है डिप्रेशन है, बट जनरली वो होता नहीं, वो डिप्रेशन इज एक्चुअली अ सीरियस इशू। जैसे आज के ज़माने में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है इस बारे में, बट पहले तो हम इसे मजाक में हटा दिया करते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स कि आप डिप्रेशन में,
कैसे पता चलता है कि आप एक्चुअल में आपको एक सीरियस इशू हो रहा है डिप्रेशन या एंग्जाइटी का? देखिए, लोगों को लगता है कि अगर वो सैड हैं तो वो डिप्रेस्ड हैं, ये एक नेचुरल लोगों का परसेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन क्या होता है, जैसे साइंस में हम लोग ब्लैक होल की बात करते हैं, ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अगर एक बार आप चले गए तो कहते हैं लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है। तो सिंपली आपका डिप्रेशन भी एक ऐसा रीजन होता है, एक बार आप चले गए तो वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है और आप उसी में ही रह जाते हैं, वहां पर आप कंप्लीटली अकेले रहते हैं। ये बात होती है इसमें डिप्रेशन में। और इसमें अगर आप बात करें कि इसके सिम्टम्स या उसके इफेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी, आपको आसपास का जो रीजन अपना एनवायरनमेंट होगा वो पूरा नेगेटिव नजर आएगा, और हर चीज आपको नेगेटिव वे में आपको परसीव होगी, तो हर चीज आपको नेगेटिव ही नजर आएगी। तो ये नेगेटिवनेस सबसे मेजर पार्ट होता है डिप्रेशन का, ये हर चीज आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल रही है, आपको आसपास भी नेगेटिव सब कुछ दिखाई दे रहा है, और ये इसका मेजर होता है। तो ये क्या एक डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ता है कि ये किस तरह से होता है? आप जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो मतलब डिफरेंट स्टेजेस रहता है ये डिप्रेशन के लेवल में ही आपकी एक बीमारी की तरह से, मतलब अगर आप कुछ क्लियर कर पाए इस डाउट को? ये स्टेजेस में कह सकते हैं, स्टेजेस में कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये इनिशियली जब स्टार्ट होता है तब तो ये इसकी इंटेंसिटी लो रहती है, लेकिन अगर ये इसके इसको क्योर नहीं किया गया तो फिर ये बढ़ता रहता है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, साल बर साल, फिर बढ़ता रहेगा, पर आपकी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता चला जाएगा। और डिप्रेशन अगर सही टाइम पे क्योर नहीं किया गया तो ये फिर बाद में मेंटल इलनेस का रूप ले लेता है। तो अगर हम बात करें कि आप किस तरह से आपने, जैसे आपको काफी लंबा अरसा लग गया, 4 साल लग गए ये आइडेंटिफाई करने में और डॉक्टर को दिखा के समझने में कि आपको 4 साल से आप डिप्रेशन में रहे, तो इससे आपकी लाइफ भी बहुत इम्पैक्ट हुई होगी। जी, लाइफ मेरी पूरी खराब हो गई थी। मैं अगर दिल से बताऊं आपको तो बीटेक मैं बता अब शेयर मैं सबके साथ कर सकता हूँ। नॉर्मल बीटेक जैसे 4 साल का होता है, लेकिन मेरा बीटेक मुझे 6 साल लगे कंप्लीट करने में। तो वो उसके रीजन से ही एक डिप्रेशन था और बाकी जो अपने सेटबैक्स थे। तो 2014 में जब सेकंड ईयर के बाद मेरा 1 साल जब गैप हुआ था, तो उस समय मैं घर पे बैठा था, तो उसमें तब क्योंकि मेरा माइंड पूरा खाली था, और कहते हैं अगर खाली दिमाग शैतान का दिमाग जैसे कहते हैं, तो वही है डिप्रेशन बिल्कुल ऐसे लोग अटैक करता है जहाँ पर आपका आप खाली बैठे हो और आपका खाली दिमाग हो, और तब आपके ऊपर वो चीजें अटैक करने लगती है, नेगेटिव चीजें। और तब मेरे पास क्योंकि मैं अकेला था उस समय, और मुझे अपने बैकलॉग क्लियर करनी थी उसमें पूरे साल में, तो डिप्रेशन ने मुझे अपने मतलब जकड़ लिया और वहां से स्टार्ट हुआ। 2014 से ये स्टार्ट हो गया था दौर ये। अच्छा, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मतलब देखिए, कई बार ना हमारे लाइफ में क्या होता है कि 1 साल या 1 दिन या 1 महीना खराब हो जाता है तो हमको लगता है कि मेरा करियर खत्म है ना। जनरली हमको ये बताया जाता है कि ड्रॉप किया है, ड्रॉप क्यों आ गया या ऐसा क्यों आ गया, करियर खत्म। पर जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने बीटेक को भी खत्म किया है थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद, पर उसके बावजूद आप एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। दिस इज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप उससे बाहर निकल करके अपने इलनेस को डिफीट करने के बाद आप बाहर निकल करके फिर से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत करें चाहिए। तो गिव अप करना तो बहुत आसान काम होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम वापस आते हैं आपकी इस बीमारी की तरफ। तो अगर कई बार तो सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे आपको इस सब चीज़ों? सुसाइडल थॉट्स तो नहीं, लेकिन जब एक दो पॉइंट पे से आ जाते हैं कि, क्योंकि जब बीटेक्स में जब मेरा सेटबैक्स हो गए थे और मैं ऐसी दलदल में फंस गया था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं कि आगे कंटिन्यू करूं कि और कुछ परस्यू करूं, क्योंकि फिर कोई मुझे गाइड करने वाला भी नहीं था, और हर कोई अपना अलग गाइडेंस देता है। आप किसी से मिलेंगे वो अपने तरीके से आपको बताएगा कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, हाँ, लेकिन ये लेकिन आपको फाइनली आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है। तो सुसाइडल थॉट्स की अगर बात करें तो 2014 में थोड़ा बहुत मेरे को आई थी थॉट्स, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उसमें था उसमें, लेकिन मैंने स्टेप को जो है बहुत ही अच्छे से मतलब हैंडल किया कि ये तो मेरे को रास्ता ये अपनाना नहीं है, मेरे को अपना आगे बढ़ना है मेरे को, और अपने बीटेक ही खत्म करना है। नहीं बिल्कुल, मतलब आई एग्री करता हूँ, मतलब कई बार ये थॉट्स आना, इस पे काम करना आसान काम होता है, जिंदगी जीना एक्चुअली मुश्किल काम है, मर जाना तो बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल दो पल लगता है बस। तो वापस हम आते हैं आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे, जैसे आपने बताया, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि ये क्या होता है और ये कैसे एसोसिएटेड है डिप्रेशन से?
डिप्रेशन और एंग्जाइटी साथ में साथ चलती हैं, दे आर डायरेक्टली डिप्रेशन हो गया कि मैं दुखी हूँ, बहुत ही नेगेटिव सा फील कर रहा हूँ, और एंग्जाइटी वुड बी कि डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन है आप इजीली आपको नहीं पकड़ता अगर आप दुखी हैं नॉर्मल बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन एक अलग स्टेट होती है, वो आपको जब डिप्रेशन तब पकड़ता है आपको जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज में आप फंस गए हो, जैसे आप काफी दिनों तक मतलब कोई चीज के लिए उदास बैठे हैं या कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो गया है, आप उस कोमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसका मतलब है ये, फिर वहां पर आपको अकेलापन महसूस होगा और आसपास सारी चीजें आपको नेगेटिव नजर आएंगी, आप जो आपकी सोच होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो है डिप्रेशन में यह रहता है आपका मतलब बेसिकली नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, मतलब आपको कुछ अच्छा करने मन नहीं करता होगा, आपको वहां उस रीजन से आना बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इतने सारे, अगर हम एंग्जायटी की बात करें तो बेसिकली इसका क्या सिम्टम्स होंगे या कैसे पता चलेगा कि आप एंग्जायटी के भी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसमें? देखिए ये मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे एंग्जायटी डिसऑर्डर है, ये 2014 में ही स्टार्ट हो गया था, मेरे डिप्रेशन के साथ ही स्टार्ट हो गया था। तो लेकिन जब डायग्नोज हुआ था 2018 में जब मैं गया था फाइनली डॉक्टर के पास, तो एंग्जाइटी की बात की जाए तो एंग्जाइटी में आपकी बॉडी में बहुत मतलब जब होती है तो बहुत दिक्कत होती है, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तो आपकी जो है पल्स रेट हाई हो जाती है, और आपकी सोचने का जो तरीका होता है, सोचने की स्पीड होती है, वो बहुत मतलब कि वो आपके थिंकिंग बहुत इम्पैक्ट करता है, वो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, नर्वसनेस काफी ज्यादा हो जाती है, सोशली प्रेजेंटेबल नहीं रह जाता आदमी में भी, सोशली आप और बैकवर्ड होने लगता है, बैकवर्ड होने लगता है, इनवर्ड होने लगता है, वो आप सोशली एनवायरमेंट से आप बचेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे, फिर ये रहता है, आप आइसोलेशन में ही आपको अच्छा लगने लगेगा, और ये आपको घेरती चली जाती है, फिर ये इसी में जो एंग्जायटी होती है आपकी बॉडी में बहुत हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत देश, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दिस इज अ कंट्री विद हाईएस्ट पर कैपिटा ओपिनियन, सबके पास अपनी राय है और भर भर के राय है, तो जब ये आपके साथ भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जब आपको कई लोगों ने अपने राय देने की कोशिश करी होगी, देसी नुस्खे बताए होंगे इस चीज को सब कवर करने के लिए, या कुछ ऐसा जो आपको शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों ने राय तो बहुत अजीब अजीब सी दी थी जब था, तो मुझे याद है जब 2014 या 15 की बात है, तो मैं शाम को अपने टहलने आता था पीछे एक पार्क में, तो वहाँ पर ऐसे माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मतलब सेटबैक्स इतने हो गए थे, घर पे ही था, तो पढ़ाई को लेकर के और मैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर एक मेरे को मिले थे दादाजी टाइप के, अंकल जी मतलब मिले थे वहाँ पर, तो उन्होंने मैंने उनसे मतलब बताया तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे योगा सजेस्ट किया था, तो वो होगा इतना योगा वो इतना वियर्ड था, तो मतलब ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, तो उन्होंने समझाया मतलब बताया था कि ऐसे आपको 2 मिनट तक कंटिन्यूसली ऐसे आपको मुंडी रख के ऐसे ऐसे पूरा हिलाना है, और ये इतना तेज आपको करना है पूरा 2 मिनट तक कंटिन्यूसली, और करते रहना 2 मिनट तक, और ये सुबह शाम आपको करना है, तो इसका उन्होंने कहना था कि इससे आपको डिप्रेशन क्योर हो जाएगा, तो इससे फायदा हुआ। तो मैंने कई दिन उसको किया, डिप्रेशन तो क्योर नहीं हुआ लेकिन मेरे नेक में पेन बहुत होने लगा साइड में, तो ये है लोगों की मतलब ये बात तो बिल्कुल ये बात हम सबको समझनी होगी कि हर एक नुस्खा हर एक चीज पे काम नहीं करता, कई बार एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत जरूरत होती है किसी भी सीरियस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया ऐसे भी कई सारे लोगों ने बहुत सारे आपको देसे नुस्खे बताए होंगे, ये लगा लो वो कर लो वो खा लो तो उससे सही हो जाएगा, है ना, तो ये तो लगा ही रहा होगा अक्सर। हाँ जी, लोग अपने अपने परसेप्शन देते हैं, जैसे कहते हैं कि मतलब जंक फूड खाने से बचिए और ये मीठा खाने से बचिए, मीठा का एंग्जाइटी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे को भी लगता था, लेकिन मीठा से आपका वेट बढ़ेगा लेकिन मीठा से आपका एंग्जाइटी लेना देना कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते थे आप मीठा खाना बंद कर दीजिए उससे आपको बढ़ती है, और जंक फूड से तो बढ़ती है, जंक फूड फास्ट फूड से तो नुकसान करता ही है वो आपका, नहीं वो तो रहेगा। हाँ तो अच्छा, अगर हम बात करें कि मतलब ये जैसे ये किसी कारण से तो ये हुआ होगा ना अक्सर, कि किस तरह क्यों आपको ऐसा हुआ कि आपको डिप्रेशन हुआ, या कुछ ऐसे मेजर रीजंस जो आपको लगते हो, क्योंकि आम जीवन में ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लीड करते हैं हमें इन सारी चीज़ों की तरफ, तो आपको क्या लगा कि वो कौन से फैक्टर्स थे? देखिए मेरे फैक्टर्स ये थे क्योंकि जो मेरे नंबर ऑफ बैकलॉग्स थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ईयर गैप हो गया था। पर कहीं ना कहीं बैकलॉग का आना भी तो शायद ये भी कारण हो कि वो डिप्रेशन में थे आप उस समय। बैकलॉग का देखिए क्या हम ये नहीं बोल सकते कि शायद बीटेक करना आपकी पहली ख्वाहिश नहीं होती? नहीं, बीटेक मेरी ख्वाहिश नहीं थी। देखिए ये बात
पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपने बच्चे के लिए जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो उसके उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। आपका एक गलत डिसीजन आपके बच्चे की लाइफ खराब कर सकता है। और ये क्योंकि मेरे केस में यही हुआ था, तो मेरे घर तो वालों बेसिकली बीटेक कह सकते हैं ना, बैकलॉग तो बाद में आ गई, वो तो बैकलॉग ने, डिसऑर्डर ही हाँ वैसे ही आई बीटेक बेसिकली। अपने आप में ही हाँ मेरे पूरा चैलेंज था वो, हाँ तो हाँ उसी वजह से दिक्कत हाँ हुई थी। हाँ तो ये तो एक फैक्टर रहा। और क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं जो उसके रीजंस थे? फ्रेंड सर्किल मेरा बहुत कम हो गया था, जो मेरा सोशल सर्किल था, क्योंकि मुझे याद है जब स्कूल मेरा ख़त्म हुआ था तो स्कूल के मेरे फ्रेंड्स सब छूट चुके थे, वो अपने अपने कॉलेज जा चुके थे, और यहाँ जो मेरे जो कॉलेज में नए नए बने थे वो इतने मतलब ऐसे नहीं थे कि उनसे आप शेयरिंग केयरिंग इतना कर सकें। ये देखिए, ये मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है कि दोस्ती आप स्कूल में ही करते हैं, बाकी फिर जैसे आप बड़े होते आते हैं ना, आप तो दोस्त कम बनते हैं, एक्वेंटेंसेस ज्यादा बनते हैं। कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपको, सही कह रहे हैं, मतलब क्योंकि आप जब आदमी बड़े होने पे ना दोस्ती बहुत नाप तोल के करता है, बट बचपन में आदमी दिल खोल के दिल करता खोल है। के करता तो है। शायद इसीलिए बिल्कुल स्कूल के दोस्त लंबा टाइम तक स्टिक करते हैं एज कम्पेयर टू बिल्कुल चाहे वो बीटेक के हों या जॉब के हों। आई मीन ऑफकोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अगेन बेसिकली हमें तो ऐसे ही बिल्कुल रहा। बिल्कुल हाँ, तो सोशल सर्कल ऐसा रहा। और कोई फैक्टर जो आप बताना चाहिए, क्योंकि हम आपकी लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो बहुत ही कॉमन लाइफ है, मतलब हम सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पर हम उन्हें बहुत ही लाइटली लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है, एटलीस्ट इन इंडिया। अब तो हमने डेंटिस्ट को डॉक्टर मानना शुरू किया है, वरना पहले तो हम डेंटिस्ट को भी डॉक्टर नहीं मानते सही थे, बात है, साइकोलॉजिस्ट तो बहुत दूर की बात है। देखिए फैमिली प्रेशर भी मेरे ऊपर काफ़ी था जब, क्योंकि मेरे जो भैया और दीदी हैं तो वो ऑलरेडी उनकी मतलब लाइफ सेटल्ड है, वो अच्छे से उन्होंने भी बीटेक किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी कि भाई आपको भी कि बीटेक अच्छे से कंप्लीट करना है और पूरा करियर बनाना है इससे अपना। लेकिन आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या बीटेक करना है कि नहीं करना है हाँ, ना, क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था उस मैं समय। चाहता था कि आप इस पॉइंट पे आए, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर हम सबके लाइफ को इम्पैक्ट करता है कि सोसाइटल प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये दो चीजें इतनी ज्यादा रिजिड और इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, कि ये कई बार छोटे अरमानों को, सपनों को, सबको दबा के रख देती है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे घर वालों को, हमारे गार्जियंस को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बच्चों के पैशन से, बच्चों के मन में जो चीजें हैं उसके हिसाब से अगर वो काम करेंगे ना, तो उसमें एवरेज नहीं बहुत अच्छा करेंगे, बट अगर आपकी मर्जी की जगह पे वो काम करेंगे तो वो एवरेज ही रहेंगे, क्योंकि उनका पैशन नहीं है उस फील्ड में, है ना। तो आप जैसे कि आपके पास में रहा है कि आप बीट बॉक्सिंग करते थे और आप कई सारी चीजों में आपका टैलेंट था, अभी भी आपके पैशन चल रहे हैं या पैशंस है मेरा, म्यूजिक का बीट पैशन अभी भी कंटिन्यू है, बॉक्सिंग करते हैं आप? बीट बॉक्सिंग मैं कभी कभी करता हूँ। तो अगर आप कुछ करके देखा बताना चाहेंगे यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही बेहतरीन टैलेंट होगा, मैं बिल्कुल ट्राई कर सकता हूँ तो प्लीज। बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब एक्चुअली ये बहुत मतलब यूनिक अच्छा रहा, मतलब बेसिकली अगर आपने इसमें फील्ड बनाई होती तो शायद हम आपको अभी शो में देख रहे होते, टीवी शोज में, है ना, जी या हाँ मूवीज बिल्कुल, में। काफी टाइम हो गया मुझे किए हुए हैं, तो अभी उतना हाँ, परफेक्टली नहीं हो पा रहा हूँ उससे। बट फिर भी बहुत अच्छा, मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो ये बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारी तो ये बहुत ही अमेजिंग है। तो बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तो उन्होंने बहुत सारी सीरियस बातें कर दी, अब अगर आप कुछ इंसिडेंट बताना चाहें, मतलब आपने ये पूरे सिनेरियो को लेकर के, चीजों को देख करके आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहें जो चाहे वो बीटेक की लाइफ का हो, कुछ फनी सा इंसिडेंट हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। फनी सा इंसिडेंट में वही एक हुआ था जो पार्क वाला एक हुआ था, और बाकी सब मतलब अगर हुआ भी होगा मुझे इतना हाँ, वो बर्डन बहुत रहता है, वो कई हाँ बार याद भी नहीं इंसान। है मेरे को तो अभी इतना मेमोरी अच्छे के से। बारे में हम क्या बात करें, अगर मेमोरी की बात करें तो क्या आपको जो इससे डिप्रेशन में, क्या चीजें नॉर्मल रहती हैं, मेमोरी सेम काम करती है कि उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आपकी सोचने की शक्ति को कम कर देता है ये, और अच्छा, आपकी आपको पास की चीजें फिर बहुत कम याद रहने लगती हैं, और हाँ, जो याद जो आपके दिमाग में आती हैं वो आप जिन चीज़ों को हटाना चाहते हैं वो आपके दिमाग में आती रहेंगी, और जो आपको आप याद रखना चाहते हैं वो आप भूलते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसका, तो आपकी सोचने शक्ति भी बहुत इम्पैक्ट करता है ये। अच्छा आपकी अच्छा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खराब हो ही जाती है, हाँ आपकी डेली लाइफ खराब हो जाती है,
लेकिन आपका जो थिंकिंग थिंकिंग स्टेमिना है और थिंकिंग की कैपेबिलिटी है वो भी आपकी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तो इसको रोकने के क्या तरीके हैं? अगर आपको कुछ पता है कि प्रिवेंशंस कैसे किया जा सकता है, अगर कोई लग रहा है कोई कोई इनिशियल सिम्टम्स में है, जो इस फेज में है तो। देखिए, अगर हम क्योर की बात करें, अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की क्योर की बात करें, तो करंट सिनेरियो में जैसे हम जानते हैं कि खासकर इंडिया में अब मेंटल इलनेसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के जाते हैं, आप देखेंगे पहले से ही 50 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि तो किसी न किसी को कुछ ना कोई मेंटल इलनेस है। और उसका रूट कॉज क्या है, ये आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डॉक्टर भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि रूट कॉज इससे आपको हुआ क्यों, ये आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे केस में जो था कि मेरे को डिप्रेशन इतने सालों तक था, उसने इलनेस का रूप ले लिया था, तो मेरे में ये था। और करंट सिनेरियो में आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर क्योर की बात करें तो इसमें देखिए, क्योर तो बहुत सारे आएंगे, क्योर में वापस आते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने पूरी लड़ाई जीती है, आपने एक एक बहुत बड़ी चीज को क्रॉस करके आप आए, यू आर सर्वाइवर इन दिस सिचुएशन, तो आज में जो आप फील करते हैं, पहले में जो आप फील करते थे, क्या डिफरेंस लगता है आपको उस दोनों चीज में? ये बहुत डिफरेंस लगता है। जैसे एक जब मैं उसमें था, उस फेस में जब गुजर रहा था, तो अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, थॉट्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती थी कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे खाने की टेस्ट नहीं आता था, अगर मैं नहा रहा हूँ तो मुझे पानी फील तक नहीं होता था कि मेरे बॉडी में पानी पड़ रहा है, अगर हवा चल रही है तो हवा भी नहीं फील होती थी कि मतलब जैसे लोग एक इंजॉयमेंट होता है। और जितनी भी फन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती, जितना मतलब इंसान नॉर्मल डे लाइफ में करता है, वो आपको फील नहीं होती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थॉट्स की इंटेंसिटी रहती थी। और वो कंटिन्यूअस, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सुबह उठने से लेकर के मेरे रात के सोने तक तो चलती रहती थी। और सुबह मेरे उठने से लेकर के थॉट्स चालू होती थी, पास्ट की चलती रहती थी, और रात के सोने तक वो चलती रहती तो थी। कितना मुश्किल रहता होगा, मान लीजिए बहुत कि मुश्किल हो कोई एक जाता होगा। आवाज, एक साउंड जो मेरी इरिटेट कर रही है, आउटसाइड नॉइज, वो मुझे पल भर के लिए 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर एक आवाज जो मेरे सिर में अंदर चल रही है, मैं उसे कहाँ भागूंगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मतलब ये ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, कि आप मतलब दिन भर उसी से प्रीऑक्यूपाइड है इतना कि आप निकल नहीं पा रहे, आप महसूस नहीं कर पा रहे, अपने आसपास की चीजें नहीं समझ पा रहे, तो ये एक्चुअली बहुत मुश्किल रहा होगा उस समय। बहुत मुश्किल था, ये कई सालों तक मेरे साथ था। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तभी मैंने घर पे कहा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि तो फिर अब मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिर क्योंकि उसने मेरा बीटेक भी उसने काफ़ी ख़राब किया था, और मेरी लाइफ तो कई साल की ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मेरे कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिर मैं इसलिए जाना पड़ा था। तो अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब कई बार ना हम लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं इन सारी चीजों को, और इस पे ध्यान बहुत कम देते हैं, इस चक्कर में कई बार हम इसके शिकार भी आते हैं और हमको पता नहीं चलता कि हम एक्चुअली में बीमार हैं, और हम सिंपथाइज भी नहीं कर पाते उन लोगों के साथ जो ये तरह की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हम इस बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं। तो हमारे दर्शकों से, ऑडियंस से आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर आपको इसके बारे में कोई अवेयरनेस कहनी है, कोई आपका मिशन स्टेटमेंट, कोई लाइन जो आप बताना चाहें दर्शकों को? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं क्योर पे, उसके मेंटल इलनेसेस के, तो सबसे पहले हम देखिए, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, तो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करूँगा आपको, जो आप कर सकते हैं अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। एक तो अपनी आप लाइफस्टाइल आपको आप अपनी अच्छी बेहतर बनाइए। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करिए, चाहे वो योगा हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज करिए। और दूसरा ये है कि आप आपकी फूड जो डाइट होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो आप ये सोचिए आपको मतलब कि जंक फूड और फास्ट फूड से आपको बचना है, मतलब कम से कम लेना है, क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट करता है। आपको उस समय तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में जाके फिर वो जहर का रूप ले लेता है फिर वो। और बात करें तो अपने पैशन को जरूर फॉलो करें, जैसे अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में आप साइड बाय साइड आप अपना चलाते रहिए करियर, या उसमें फॉलो करते रहिए अगर इसमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है। और जैसे किसी में आपका जैसे अलग से आपका इंटरेस्ट है, आपका जैसे कोई भी हॉबी है आपकी, कोई भी हुआ, तो उसको आप कंटिन्यू करिए पढ़ाई के साथ साथ, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल,
बाकी अगर आपका पैशन एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आप बिल्कुल जाइए, आप कोर्सेज चेकआउट करिए। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में भी फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस पर भी एक कोर्स डाला है, लेक्चर्स डाले हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब करियर डेवलपमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट इतना ज्यादा हेक्टिक टास्क होता है कि आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना, हम उसे इग्नोर तो करते चले जाते हैं, बट वो शायद साल भर साल के हिसाब से वो पाइलअप होता जाता है, कहीं ना कहीं वो एक बीमारी के रूप ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना हम अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही जरूरी है मेंटल फिट रखना। देखिए आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को तो बहुत ध्यान देते हैं, जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। अच्छी बात है, फिजिकली फिट आपको रहना चाहिए, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल फिटनेस से आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपका दिमाग खुश नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि दिमाग का खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी पूरे ओवरऑल आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी में, तो मेंटल आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आप मेंटल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर उसका फिर ऐसे जीने को फिर कोई मतलब नहीं है, और फिर मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके लिए। तो मेंटल हेल्थ आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और एज कम्पेयर टू आपकी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के करेंट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इलनेसेस बढ़ रही हैं। पेपर में भी कई बार निकलता रहता है ये, तो इसे ये अवेयरनेस मैं दर्शकों को से पहुंचाना चाहता हूं कि अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को आप बहुत इंपॉर्टेंस दें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, ताकि आप जो है आप क्यों आप ही की खुशी के लिए वो रहेगा। वो कहते हैं ना कि वो लाइन भी तो है कि द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स, या है ना, बिल्कुल है ना। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार कहते हैं ना कि आपका फेथ जो होता है ना, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर वो फेथ है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है एक हेल्दी माइंड जो आपको डायरेक्ट कर सके उस तरफ। बाकी देखिए, मेरे ख्याल से आप पैसे तो बहुत कमा सकते हैं, तरीके तो बहुत हैं पैसे कमाने के इस जमाने में, सब कुछ करने के बहुत तरीके हैं, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का सिर्फ एक तरीका है, वो है विद हेल्दी माइंड एंड विद हेल्दी बॉडी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आज हमने बहुत सारी चीजों पर बात करी, ऐसे मुद्दों पर बात करी जिसके लिए हमें लोग आके बाहर नहीं आते नहीं आते हैं, लोग काफी शाय फील करते हैं। बट थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, आप लोग आए, आपने अपने इश्यूज को डिस्कस किया, आप खुल करके सामने आए, आपने बातें बहुत सारी लोगों को की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसे ही और बेहतर बहुत सारे लोगों की हेल्प करते रहेंगे। जो लोग नहीं जानते, इनका एक कैंपेन भी है सेव द माइंड, जहाँ पे ये लोगों से कंसल्ट करते हैं, जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, उनकी हेल्प करते हैं, जहाँ पे उनको कई बार। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप विकास जी से पूछ सकते हैं, मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में आपको इनका वो मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप इनसे टच में आ सकते हैं। बट अगेन थैंक यू सो मच विकास फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड इट वॉज रियली नाइस थैंक यू सो कनेक्टिंग मच विद अशोक। यू। एंड मैं हाँ, प्लीज अगर आप कुछ बोलना चाहें। कॉजेस पे डिस्कस करना चाह रहा था एक बार। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, कॉजेस पे जो आपके मेंटल इलनेस के जो एंग्जाइटी भी जो कॉज करते हैं, एक होता है आपका पहला कॉज कि जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है जेनेटिकली, तो तो जेनेटिक वो भी होता है ये। ये जेनेटिक भी ट्रांसफर होता ही है, ये 100% ट्रांसफर होता ही है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी पेरेंट्स या किसी को भी अच्छा है हाँ और पहले से चला आ रहा है ये, तो अच्छा ये अच्छा जेनेटिकली अच्छा ट्रांसफर हो जाता है ये ऑटोमेटिक। दूसरा ये है कि सडन लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आपके हो गए, अगर आप बहुत फिटनेस फ्रीक इंसान हैं और सडनली सारी एक्टिविटीज आपकी बंद हो गई एकदम से, तो आपके पूरा माइंड बहुत इम्पैक्ट आता है इसका, तो वो आपकी सडन लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी होता है। तीसरा, ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, मतलब कोई कुछ भी इंसिडेंट हो जिसने आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रेप विक्टिम के साथ उनको जैसे PTSD एक बीमारी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो उनको कैच करने में बहुत इजीली हाँ, कैच ये कर पोस्ट लेते हैं। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो हमने मूवीज में भी सुना है। हाँ, हाँ ये होती है, हाँ ये जिनके साथ जो होती है, जिनके साथ कुछ ट्रॉमेटिकल केसेस हो इंसिडेंट हो चुके हैं। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। मतलब जिसने सारे अपने कॉजेज बताए, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह के सिम्टम को लाइटली ना लें। अगर आपको कोई स्ट्रेस रहा है, कोई पोस्ट ट्रोमैटिक, कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस रहा है, या फिर कोई जेनेटिक एक्सपीरियंस रहा है, तो बेसिकली आपको अपने आप को बहुत ही जल्दी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसको लाइटली ना लें, ये एक प्रॉपर फिजिकल, एक अच्छी प्रॉपर बीमारी है जिसको हम भी जरा सा भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको पहली बात तो अपना अपना फिजिकली फिटनेस आप मेंटेन रखिए और अपनी डाइट को अच्छी रखिए, और अगर आपको कभी भी लगता है कि माइंड में आपकी चीज़ें जो है चीज़ें भाव आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो बिल्कुल आप अपने नियर बाय साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट को पास जाइए, उनसे बातचीत करिए, तो वो सबसे बेस्ट कंसल्टेशन है।
और जो है अपने पैशन को फॉलो रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये सारी सब चीज़ें हैं जिसको आपको अपने ध्यान में रखनी होगी और इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो विकास, इट वॉज रियली फन कनेक्टिंग विद यू ऑन दिस, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो बिल्कुल बहुत सीरियसली इन सारी चीज़ों को लेंगे। करियर करिए, डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट करिए, बट अपने आप पर, अपने माइंड और अपने बॉडी पे कंट्रोल रखिए, उसको और इम्प्रूव करिए, बिकॉज अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी कैन ओनली हेल्प यू मेक यू नो रियलाइज योर ड्रीम्स। सो विद दैट नोट, थैंक यू विकास, इट वॉज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू, एंड वी विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच ऐश्री।